इसलिए हम लोग इस तरह नहीं सोचते हैं, हम तो अल्टीमेट रीजंस को जानने की कोशिश करते हैं जो टोटली इंसान इन्वॉल्व है। टुडे लेट मी टेल यू, आज से 3 साल मैंने इनसे सबको कहा हुआ था, वो तकरीरों में बेशुमार, कि यार जल्दी जल्दी हजर उमरा कर लो, कोई नहीं करता था, पर ज़ाहिर है मेरी किसने माननी थी। आज जब उम्र आज बंद हुए ना, तो अब वो मेरी तकरीरें याद कर रहे हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि दिस विल बी नॉट ए सिंगल फिनोमेना। कुछ अरसे के बाद मक्का एज ए टूरिस्ट रिजॉर्ट खोला जाएगा, टूरिस्ट रिजॉर्ट। और इस वक्त इज़राइल एक डिमांड कर रहा है जॉर्डन से सड़क गुजारने की जो मदीना तक पहुँचेगी, और एक बहुत बड़ा ख्वाब उनका बनो कुरेज़ा, बनो खैबर और उसकी ये जगह, वो आमादा होगा उनको ढूंढने के लिए। और हमारे ये मुसलमान जिनसे अल्लाह सब मुसलमानों को बचाए, ये कोशिश कर रहे हैं कि ये हमें उनको ये मुसलमानों को नहीं भाई समझते, वो गलत है। ये क्रिश्चियंस के साथ और सॉरी यहूदियों के साथ वो रिश्ता निकाल रहे हैं जो हज़रत इब्राहिम से चला था, और उनको कज़न्स मान रहे हैं। एंड वेरी सोन मिडल ईस्ट में नक्शा बदल जाएगा हुकूमतों का, और बड़ी अजीबोगरीब सिचुएशन आगे आ रही, मे बी 3 to 5 years मैक्सिमम। मगर इस अरसे में आप हज और उम्र से कुछ बस परेशानी होगी आपकी, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू होस्ट हाजीज एट ऑल। अभी जो हुक्मरान है ना, वहाँ ये होस्ट करना ही नहीं चाहते। आप भी बस टूरिस्ट की तरह जाओगे, चक्कर लगा के आ जाओगे। एक्चुअली तमाम वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं जो इस्लाम को ख़त्म करना चाहते हैं, उनको मक्का की कॉन्ग्रीगेशन से इख्तलाफ है। वो समझते हैं कि जब तक ये सेंट्रिसिटी कायम है, मुसलमान एक रहेगा, इसलिए वो इसको चेंज करना चाहते। इतफाक से ये जो इस वक्त हुक्मरान है, ये इनकी हर पॉलिसी टो कर रहे हैं। और ये मक्का तो खुल जाएगा, हाँ, अगर वैसे टूरिस्ट के तौर पे जाना हुआ तो बिल्कुल आपको बड़ी मदद मिलेगी, बट नॉट एस ए मुस्लिम सेरेमोनियल एकेडमिक सेंटर के तौर पे नहीं। तो आगे वक्त ऐसे आने वाला है, स्टे विद गॉड एंड स्टे विद विक्ट्री, क्योंकि फतह आपकी है। बस ये हमारे पास मौजूद है, सनद है, और इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ ज़माने आखिर में आपके गलबे की शहादत मौजूद है, फतह मौजूद है, चाहे इस वक्त आप कितने ही बेकार क्यों ना।